साथियों, क्या आप जानते हैं कि क्या कारण था कि गांधी जी के साथ नेहरू हमेशा रहते थे, लेकिन गांधी जी नेहरू की सिगरेट और शराब न छुटा सके, न ही नेहरू ने गांधी के सम्मान में इसे छोड़ी। आज के गांधी क्या कभी अनशन पर बैठे हैं? एक वक्त के उपवास पर ये बिलबिला जाते हैं और चले हैं सत्याग्रह पर। एसी कार पर चलने वाले ठीक से पैदल चला नहीं जाता, पुलिस की एक लाठी से तड़पने लगते हैं। सरसों और मटर के पेड़ की पहचान नहीं है, नहीं जानते गन्ना से गुड़ कैसे बनता है, गरीबी क्या है नहीं जानते, और बराबरी करने चले हैं तपे हुए सत्याग्रहियों की, महाराणा प्रताप की। सत्याग्रह आंदोलन बाप दादों के माल पर ऐश कर रहे इन मखमली गद्दों पर सोने वालों के बस की बात नहीं है। इन बवालियों ने यूपी बलरामपुर मामले पर पर्दा डाला, छिपाया, क्योंकि दलित बच्ची का मामला एक विशेष धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन यही छिपाने वालों ने यूपी हाथरस में एक एक बात लिखी और दिखाई, क्योंकि दलित बच्ची का मामला ठाकुरों से जुड़ा है। रेप पीड़िता का चेहरा दिखाना, नाम लेना, छापना कानून का उल्लंघन है, लेकिन इसका भी इन लोगों ने ध्यान नहीं रखा। इन्हें किसी प्रकार यूपी सरकार को बदनाम करना और जातिगत विषय बनाना है। इन लोगों को पीड़िता के दर्द से नहीं, अपने वोटों की नेतागिरी जमकानी है। ऐसे लोगों ने पीड़िता परिवार की अशिक्षा गरीबी का खूब मजा उठाया, खूब फायदा उठाया। अब ये सब सो जाएंगे। यूपी सरकार योगी जी के मजबूत हाथों में है, वह ऐसे लोगों को निपटाना जानती है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भी एक 14 साल की लड़की से रेप का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ और यूपी दोनों राज्यों में बलरामपुर जिले हैं। यह दोनों जिला बलरामपुर में ऐसी ही रेप की घटना हुई। यूपी के बलरामपुर गैंग रेप हत्या के मामले को क्या आप जानते हैं? उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित लड़की से गैंग रेप और उसकी निर्मम हत्या को लेकर देश में बवाल मच गया है। इसी बीच ठीक इसी तरह का एक और मामला यूपी राज्य के बलरामपुर जिले से भी सामने आया है। हाथरस से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर 22 वर्षीय दलित युवती के साथ भी दरिंदों ने गैंग रेप किया और फिर उसकी बुरी तरह से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। ये वाकया मंगलवार यानी 29 सितंबर की शाम का है। युवती की मौत उस वक्त हो गई जब उसे इलाज के लिए लखनऊ अस्पताल लाया जा रहा था। बलात्कारियों ने पीड़िता के साथ दरिंदगी भी की। बुधवार सुबह गैसड़ी की पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देर रात छात्रा का शव परिजनों को सौंप दिया गया। उनकी सहमति पर रात में ही उसकी अंत्येष्टि कर दी गई, लेकिन वहां कोई बवाल नहीं हुआ, क्योंकि बवालियों की ड्यूटी उस समय हाथरस में लगी थी। लोगों का आक्रोश देखते हुए अंत्येष्टि स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल लगाई गई थी। काफी संख्या में स्थानीय लोग भी अंत्येष्टि में शामिल हुए। गुरुवार सुबह 7 बजे शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर के महंत मिथिलेशनाथ योगी पीड़िता के घर पहुंचे। यूपी का बलरामपुर और यूपी के अलीगढ़ और हाथरस तीनों बलात्कार और हत्या का मामला पड़े। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भी एक 14 साल की लड़की से रेप का मामला सामने आया था। आपको सब समझ आएगा कि कैसे ये बवाली जाति धर्म की राजनीति करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो कर रहे हैं वो सबके हित में है। हम सबको इस समय उनका साथ देना चाहिए ताकि अपराधियों को दंडित किया जा सके। यहाँ एक बड़ा सवाल है कि देश की पूरी मीडिया और विरोधी दलों के नेता यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के जिला बलरामपुर मामलों पर मौन है। क्या उन बेटियों को भी न्याय दिलाने की कोई विरोधी दल का नेता आवाज उठाने को आज तैयार है? शायद अभी तक नहीं। इसे कहते हैं नेतागिरी और वोट की राजनीति, जो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों और उनके काले साम्राज्य को बुलडोजर से कुचल रहा हो। जिस अतीक अहमद के डर से 10 जजों ने केस सुनने से भी मना कर दिया था, जिस मुख्तार अंसारी अतीक अहमद के घर पर बड़े बड़े अधिकारी जाने से डरते थे, वो आजम खां जो जिलाधिकारी को नौकर समझता था, उस योगी के न्याय पर क्षण क्षण में संदेह करना गलत है। राम मंदिर फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में यदि बाबा जी न होते तो दिल्ली से भयानक स्थिति होती, दिल्ली से भयानक दंगे होते। क्या तैयारी थी? लाठियां भूल गए? संक्रमित थूकते लोग
और उन पर पड़ती लाठियां भूल गए। लखनऊ में शाहीन बाग बनाते हुए लोगों पर पड़ती हुई लाठियां भूल गए। श्री राम मंदिर फैसले पर कोई गुंडा चू तक नहीं कर पाया। क्या भूल गए? आजम खान समेत अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों की हालत क्या कर रखी है? दिखाई देता है या नहीं? थोड़ा बहुत धीरज रखें और देशद्रोहियों की बातों में आकर तुरंत अपना आपा न खोएं। जिन्हें स्वयं श्री राम लला ने अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक अंग्रेजी की कहावत है, पेशेंस इज द नेम ऑफ गेम। इस पोस्ट को मैंने भी कॉपी किया है, आप गर्व से शेयर करें, कॉपी करें ताकि जन जन तक ये संदेश पहुंचे और पोस्ट की सार्थकता सिद्ध हो। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ को दशहरा में अब जलना ही होगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।